राष्ट्रहित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, राष्ट्रहित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत भूमि पे शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। ऐसे हमारे लिए, मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि आजादी और स्वतंत्रता में एक छोटा सा डिफरेंस है। स्वतंत्रता स्वतंत्र तंत्र है, आजादी स्वच्छंदता है, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ भी बोल दिया, चाहे आर्मी के बारे में बोल दिया, चाहे कश्मीर के बारे में बोल दिया, वो आजादी नहीं है। स्वाधीनता, हम पराधीन नहीं है लेकिन स्व के तो अधीन है, उस अधीनता को क्यों भूल रहे हैं हम, उस तंत्र को कैसे हम भूल सकते हैं। तो हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं है। दूसरी चीज, जब हम यूथ की बात करते हैं तो सब कहते हैं कि हमारा यूथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम तो नहीं देखते यूथ कैसा हो रहा है, क्योंकि मैं इस बात को मानती हूं कि जिस तरह से जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो ये जानते हैं कि अगर देश की स्थिति बदलनी है तो यूथ को पकड़ लो, चाहे वो शहीद भगत सिंह हुए, रामप्रसाद बिस्मिल हुए, अशफाक उल्ला खां हुए। ऐसे ही जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो भी ये जानती हैं कि अगर देश की स्थिति बदलनी है तो यूथ को पकड़ लो। तो इसलिए यूथ में बहुत ज्यादा पावर है। आई कंप्लीटली आई ट्रस्ट दिस थिंग। जैसा कि आदरणीय सोनल मानसिंह जी ने इतनी सुंदर बात कही, मैं खुद भी एक शास्त्रीय नृत्यांगना हूं, मैं ये जानती हूं कि राष्ट्रभक्ति तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने ऊपर और अपनी संस्कृति पर गर्व करना नहीं सीखेंगे। अंग्रेजी बोलने में बुराई नहीं है पर हिंदी को न जानने में बुराई है, वेस्टर्न डांस में बुराई नहीं है पर शास्त्रीय नृत्य को न जानने में बुराई है, जीन्स पहनने में कोई बुराई नहीं है लेकिन सलवार कमीज और साड़ी को नीचा समझने में बुराई है। अपनी संस्कृति पर जब तक हमें गर्व नहीं होगा तब तक हम राष्ट्रहित की बात नहीं कर पाएंगे। यूथ हमारा वो है, अरे हम तो उस देश के हैं जहां पर एक छोटा सा बालक जो है शेर का मुंह खोल के उसके दांत गिन लेता था, उसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा। तो हमारा यूथ तो किसी भी रूप में देश विरोधी नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी, नियमित रूप से योग की साधना करके आप अपने विकारों से आजादी पाएं। ये जो हाथ में मशीन लेकर पूरा दिन लगे रहते हैं उससे आजादी पाएं, तो आप देखेंगे कि राष्ट्रहित की बात आप कर पाएंगे और राष्ट्र विरोधी जैसी तो कोई चीज ही नहीं है मेरे जी। बिल्कुल, इतने तय हमारा जो कर्तव्य है देश के प्रति, उसे हम क्या कैसे साकार। आपने इतना सुंदर कार्यक्रम रखा और यूथ की आवाज हमें सुनने को मिली। मैं तो यही कहूंगी कि इस दिन को इस संकल्प के साथ मनाएं कि जैसा कहा, योग के माध्यम से हम जो बाहर की गंदगी फैला रहे हैं, संकल्प ले लें वो भी नहीं फैलाएंगे, और जो अंदर की गंदगी फैला रहे हैं यानी विचारों की गंदगी, उसको भी ना फैलाएं, तो सही मायने में शुचिता होगी और ये पूरा देश जो है वो शुद्ध होता चला जाएगा।